हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर प्रेमलता विकल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लैमाइडोमोनास, जो कि एक एल्गा है। फिच के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे रखा गया है डिवीजन यानी कि विभाग थैलोफाइटा में। सब डिवीजन है एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकिल्स, और सब ऑर्डर है क्लैमाइडोमोनाडिनी और जीनस है क्लैमाइडोमोनास। वहीं स्मिथ के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे रखा है डिवीजन क्लोरोफाइटा में। फिर क्लास है, क्लास इन्होंने दिए क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकिल्स है, लेकिन जो इसमें सब ऑर्डर है वो है क्लैमाइडोमोनाडेसी और जीनस है क्लैमाइडोमोनास। इसका अकरंस हम देखें कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि ये एक फ्रेश वाटर एल्गा है जो कि तालाब में, पोखर में, गड्ढों में फ्री फ्लोटिंग के फॉर्म में, मीन्स मुक्त रूप से प्लवन करते हुए पाया जाता है। कई बार ये अपनी संख्या में काफ़ी बढ़ जाते हैं, डिवाइड होकर के, मल्टीप्लाई होकर के अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और वाटर की पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं। ये जो स्पीशीज है, मीन्स ये जो क्लैमाइडोमोनास, ये अमोनिया रिच वाटर में बहुत ही अच्छे से फ्लरिश करता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मीन्स जहाँ पे अमोनियम सॉल्ट्स और कार्बोनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। क्लैमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज़ ब्रैकिश वाटर यानी कि खारे पानी में भी पाई जाती है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास हैलोफिला और क्लैमाइडोमोनास यूरेन बर्गाई। कुछ स्पीशीज़ पोलर और आर्कटिक रीजन्स में भी पाई जाती है जहाँ पर बर्फ है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास निवेलिस। क्लैमाइडोमोनास निवेलिस की इसकी सेल वॉल में हेमेटोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है जो कि रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से ये स्नो को रेड कलर प्रदान करता है, इसलिए वहाँ की स्नो जो है वो रेड स्नो भी कहलाती है। इसी प्रकार से क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस भी एक और स्पीशीज़ है जो कि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाई जाती है। लगभग जो क्लैमाइडोमोनास की टोटल स्पीशीज़ हैं वो 480 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनमें से इंडिया में लगभग 18 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। क्लैमाइडोमोनास एरेन एंगराई, क्लैमाइडोमोनास मोनाडिना, क्लैमाइडोमोनास कन्फर्टा एंड क्लैमाइडोमोनास ग्रैंडिस्टिग्मा, ये कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में, भारत में पाई जाती हैं। इसकी सेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसकी जो शेप है, क्लैमाइडोमोनास की जो शेप है वो स्फेरिकल है, पियर शेप्ड है, यानी कि नाशपाती के आकार की होती है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में, और कुछ स्पीशीज़ स्फेरिकल यानी कि गोलाकार भी होती हैं, या फिर कई बार क्रिसेंट लाइक भी हो सकती है यानी कि चंद्राकार के फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है वो नाशपाती के आकार की होती हैं, जिनमें जो एंटीरियर एंड है, जो अग्रभाग है, वो टैपर्ड होता है, थोड़ा सा नुकीला टाइप होता है, और पोस्टियर एंड जो है वो चौड़ा होता है यानी कि ब्रॉड होता है। क्लैमाइडोमोनास कॉर्डेटा, यहाँ पे इस स्पीशीज़ के दोनों ही एंड्स जो हैं टैपर्ड रहते हैं, थोड़े से नुकीले रहते हैं। क्लैमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें डायग्राम दिख रहा है। ये पियर शेप बॉडी है क्लैमाइडोमोनास की, एंटीरियर एंड जो कि टैपर्ड है जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे एंटी एंड जो है वो टैपर्ड है। यहाँ पे है अपाइकल पैपिला, जो टिप मोस्ट पोर्शन पे है ये है अपाइकल पैपिला, जो टिप मोस्ट एंड है उसे कहा जाता है अपाइकल पैपिला। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले हम वन बाय वन इसको स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसकी जो शेप है वो पियर शेप्ड है जैसा कि हमने कहा है। सबसे पहले इसकी सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल जो है यहाँ पे जनरली दो लेयर की बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है। यहाँ पे ये सेल वॉल, ये सेल वॉल जो है सेल को एक डेफिनेट शेप प्रदान करती है यानी कि एक आकार प्रदान करने का काम करती है। पैक्टोज जो है वो पानी में डिजॉल्व होकर के म्यूसिलेज हो जाता है यानी कि श्लेष्मक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी सेल की जो कवरिंग है वो म्यूसिलेजिनस हो जाती है यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। साइटोप्लाज्म ये हम देख रहे हैं यहाँ पे,
ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन। जो सेल वॉल है, सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फिर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जनरली कलरलेस होता है। इसमें सभी प्रकार की ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वॉलिटिन ग्रैन्यूल्स, ये सभी स्ट्रक्चर्स इस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है ये न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस जो क्लोरोप्लास्ट है ये हम देख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड कैविटी का है, मीन्स कप लाइक कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, कप शेप का है। इस कप शेप की जो कैविटी है उसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक टाइप का है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लास्ट यानी कि केंद्रक रस। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अब क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि हमें दिख रहा है, किस प्रकार का कप लाइक कैविटी के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है जनरली मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में कप शेप का ही होता है, वन होता है। क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है वो एक ही होती है और वो सेल के पोस्टीरियर एंड पर सिचुएटेड है, मीन्स नीचे की तरफ सिचुएटेड है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट कप शेप का नहीं हो करके डिफरेंट टाइप्स का ही पाया जाता है, जैसे कि रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट यानी कि जालिकावत क्लोरोप्लास्ट जो है क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटम में पाया जाता है। डिस्कॉइड यानी कि तस्तरी नुमा क्लेमाइडोमोनास, तस्तरी नुमा जो क्लोरोप्लास्ट है या डिस्कॉइड शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लेमाइडोमोनास अल्पाइना में पाया जाता है। एच शेप का क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास बाइसीडिएटा में पाया जाता है। एक्साइल यानी कि अक्षीय क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास इरेडियंस में पाया जाता है। इसी प्रकार से स्टीलेट यानी कि ताराकृत क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लेमाइडोमोनास जिग्निमोइडिस में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास बेसिस्टीलेटा एक ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के हम अंदर हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पायरेनोइड। ये पायरेनोइड जो है यहाँ पे पायरेनोइड एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ स्टार्च की शीथ पाई जाती है। हम देख रहे हैं जिसके चारों तरफ जो है स्टार्च की शीथ प्रेजेंट है। यह एक्स्ट्रा स्टार्च को स्टोर करने का, एज अ रिजर्व फूड स्टोर करने का काम करते हैं। जनरली पायरेनोइड की संख्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ही होती है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास डीबेरियनम में दो पायरेनोइड्स भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से क्लेमाइडोमोनास स्फैग्निकोला और क्लेमाइडोमोनास जैगेंटी में कई सारे पायरेनोइड्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलाटा में पायरेनोइड कम्प्लीटली एब्सेंट है। आई स्पॉट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये आई स्पॉट है। आई स्पॉट जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि मिड पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के मिड पोस्टीरियर एंड पर। इधर यहाँ पे ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आई स्पॉट है। आई स्पॉट में दो से तीन पैरेलल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पैरेलल रोज ऑफ थायलाकॉइड्स पाई जाती हैं, थायलाकॉइड्स यानी कि गोलिकाएं पाई जाती हैं दो से तीन रोज में, और उन थायलाकॉइड्स के अंदर कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आई स्पॉट है ऑरेंज या रेड कलर का दिखाई देता है। आई स्पॉट फोटो सेंसिटिव है यानी कि प्रकाश संवेदी है। ये हेल्प करता है सेल को हाई लाइट से मीडियम लाइट की तरफ शिफ्ट होने में। मास्ट 1928 के अनुसार आई स्पॉट में पिगमेंटोसा प्रेजेंट होता है जो कि कलर्ड पार्ट है, और एक बाइकॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हम देख रहे हैं यहाँ
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपाइकल एंड पर प्रेजेंट है, सेल के अपाइकल एंड पर प्रेजेंट है, और ये बेसल ग्रैन्यूल यानी कि ये जो आधारी कण है उसके नीचे की तरफ पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की संख्या जनरली दो है। इसका जो फंक्शन होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन होता है, यानी कि जल नियमन का कार्य करता है। फ्लैजिला यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास में एंटी एंड पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये दोनों फ्लैजिला जो हैं ये विप्लैश प्रकार के होते हैं, यानी कि चाबुक प्रकार के होते हैं। दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स लंबाई में लेंथ में बराबर होते हैं, और ये बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं, बेसल ग्रैन्यूल से ये निकलते हैं। यहाँ पे बेसल ग्रैन्यूल, दोनों बेसल ग्रैन्यूल्स के बीच में एक पतली सी फाइबर लाइक फाइब्रिल, ट्रांसवर्स फाइब्रिल प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है पैराडेस्मोस। ये पैराडेस्मोस दोनों बेसल ग्रैन्यूल को कनेक्ट करने का काम करता है। इसी के साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसल ग्रैन्यूल से एक बेसल ग्रैन्यूल से यहाँ पे एक बेसल ग्रैन्यूल यहाँ से निकलते हुए न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है उससे कनेक्ट होने का काम करता है। ये जो एक फाइब्रिल है इसे कहा जाता है राइजोब्लास्ट। क्या कहा जाएगा? राइजोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने क्लेमाइडोमोनास का कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।